हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे पांच नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो पांच नंबर हैं आपके सामने। जो नंबर आपको आकर्षित कर रहा है वो नंबर चुन लीजिए। आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए। जो भी कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको गाइडेंस मिल जाए कहीं से, तो ये वीडियो आपके लिए है। जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन गाइडेंस है, आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए कभी भी नुकसान लेके नहीं आएंगी गाइडेंस जो होती है, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें गाइडेंस में भी चेंज होती है, वो कुछ ही लोगों के लिए होती हैं, तो वो मैं वीडियो में आपको बता देती हूँ कि ये कुछ ही लोगों के लिए है। तो जब चीजें कुछ ही लोगों के लिए होती हैं तो उसको आप फॉलो ना करें, लेकिन कभी कभार कुछ गाइडेंस ऐसी भी होती है जो सबके लिए होती है, अगर वो अपने लाइफ में उतारते हैं तो फायदा ही मिलेगा आपको उसका, ठीक है, नुकसान नहीं होगा। आपके सामने यहाँ पे पांच नंबर है, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा आपके लिए। गाइडेंस देख रहे हैं इस समय, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए क्या जरूरी है जानना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पांचों नंबर को बहुत ध्यान से देखिए, अपना ध्यान आकर्षित कीजिए उसके ऊपर, और जो भी नंबर आपको अपनी ओर खींच रहा है उस नंबर को चुन लीजिए और आप उसकी गाइडेंस को देख सकते हैं। यहाँ पे आप दो काम और भी कर सकते हैं। आपके लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या चीज है, आप उसके लिए तो गाइडेंस देख ही लें, उनके लिए एक नंबर चुन के रख लें कि हाँ, मैं मुझे इस नंबर का जो रीडिंग होगा वो मुझे अपने पर्सनल लाइफ के लिए देखना है। लेकिन आपके पास और भी सारी बातें हैं तो उनके लिए भी आप अलग अलग कार्ड को चुन सकते हैं। यानी कि आपने पहला नंबर कार्ड चुना, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अपने करियर के लिए, और दूसरे नंबर का कार्ड चुना अपनी लव लाइफ के लिए, तीसरे नंबर का कार्ड चुना आपने अपने किसी दोस्त के बारे में जानने के लिए कि उनके जो भी बातें हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी बहुत सारी समस्याओं को आप यहाँ से चुन सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। तो पांचों नंबर को आप बहुत ध्यान से देखें, हम देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना वो क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड नंबर 1, तो जिन लोगों ने भी पहले नंबर को चुना था, ये जानने के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस क्या है, इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है जो उनके लिए बहुत जरूरी है यूनिवर्स की तरफ से, ये मैसेज है आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेज है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज तो सबसे पहले तो यही दिख रहा था कि देखिए, जो भी चीज आप चाहते हैं वो तो होगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा अपने आप को टेंशन में डालने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा आप अपनी कहते ना कि आंखें बंद कीजिए, शांत बैठिए कुछ देर, ठीक है। और आपको लग रहा है कि आपको आंसर नहीं मिल रहा है चीजों का, तो जरूरत नहीं है कि आप किसी से पूछे, किसी से सलाह ले। आपके लिए देखिए ये है, कुछ ही लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं, जिन पे आप विश्वास कर रहे हैं, वो लोग आपके भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको स्वयं मिल जाएंगे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपको आपके अंदर आत्मा जो होती है ना, आपकी दिल की आवाज जो होती है ना, वो आपको बताएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आंखें बंद करना है और ध्यान लगाना है 5 मिनट 10 मिनट। फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए, तो देखिए क्या हुआ। जो आपके कार्ड से हमें पता चला था, यानी से फर्स्ट नंबर का कार्ड जिन लोगों ने भी चुना था, कि आपको क्या करना है ना, आपको अपने जो भी सवाल है ना, आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है ना, उसको कहीं इधर उधर नहीं पूछना है। आपको आपकी आत्मा, आपका दिल आपको खुद सवालों के सारे जवाब देगा, बस आपको ध्यान लगाना है, खुद को तलाशना है, खोजना है कि आप चाहते क्या थे, कभी आपके क्या सपने हैं, आप अपनी लाइफ में किस चीज को करते हैं तो ज्यादा खुशी मिलेगी। कुछ सवाल हैं जिन्हें आप स्वयं से पूछेंगे ना, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि ये जो समस्या है, जिसको आप समस्या समझ रहे हैं, इसमें आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आप अपने जीवन को और अच्छे से आगे ले जा पाए, आप जो चाहते हैं अपने जीवन में आपको पाए, तो आपको ये चीज करनी है।
आपको आपके सारे सवालों के जवाब स्वयं में मिल जाएंगे, बस आपको तलाशना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी पहला नंबर कार्ड चुना था आपके लिए ये गाइडेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि ये गाइडेंस आपके लिए क्यों है। आइए अब देखते हैं जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर यानी दूसरे नंबर का कार्ड चुना है, ये क्या जानने के लिए कि क्या आपके लाइफ के लिए सही है और आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभार कुछ चीजें ऐसी हो रही होती हैं लाइफ में कि आप चाहते हैं किसी का साथ मिल जाए, किसी का सहयोग मिल जाए, कोई आपकी हेल्प कर दे, लेकिन ऐसे लोग मिलते नहीं है जीवन में। बहुत सारे लोग लकी होते हैं जिनके लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में कोई नहीं है कि उनकी सहायता कर सके, और आप जिन भी बहुत भरोसा करते हैं उनसे जब आप सहायता मांगने चाहते हैं तो पता चलता है कि वो इंसान भी आपकी सहायता नहीं कर रहा है। आप अपने लिए काफी हैं, आप जो भी कुछ चाहते हैं वो चीज आप पा सकते हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। आपके जीवन को कौन बदलेगा वो आप स्वयं हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पर विश्वास करना होगा, अपने आप से ये कहना होगा कि चीजें जो भी हैं आपके लाइफ की, जो भी समस्या है उसे आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो कारण आप खुद हैं, जो भी कुछ है आपके जीवन में है, अच्छा है बुरा है, उसके सारे जो कारण कहते हैं ना, किसी कोई और को मत बनाइएगा कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से वैसा हो गया, नहीं, आपकी खुद की वजह से ऐसा है। तो जब आप अपने आप पे जिम्मेदारी लेंगे तो आप उस चीज को सुधार भी सकते हैं, लेकिन आप जब दूसरों के ऊपर थोपेंगे कि नहीं उनकी वजह से आज मेरे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है, तब आप उसको कभी बदल नहीं पाएंगे। आपकी लाइफ की जैसी सिचुएशन है वो बहुत जल्दी बदलेगी, धीरे धीरे जीवन में बदलाव आपके आपको देखने को भी मिलेगा, जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। तो विश्वास बिल्कुल मत खोएं, हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर का कार्ड अगर आपने चुना है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, एंजल्स गाइडेंस। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं जिन लोगों ने भी तीसरे नंबर का कार्ड चुना है, यानी तीसरे नंबर को आपने चुना, थर्ड नंबर को आपने चुना, ये जानने के लिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। जो भी कुछ आपके जीवन में चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं है, तो क्या करना चाहिए आपको, तो आपने चुना है तीसरा नंबर, थर्ड नंबर आपने चुना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि जिन लोगों ने भी तीसरा नंबर चुना ये जानने के लिए कि उनके लिए क्या बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। चलिए तीसरा नंबर आपने चुना, आइए देखते हैं थर्ड नंबर वालों के लिए क्या है। आपके लिए जो पहला कार्ड आ गया है, वाओ, आपके लिए सेकंड कार्ड भी आ गया जो कि रोमांस का कार्ड है, तीसरा नंबर का आपने चुना है। तो यहाँ तो है कि अगर आपके मन में कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी दुविधा चल रही है, तो उसे आपको कहाँ शेयर करना है, अपने ईश्वर से, जिस भी शक्ति से आप भरोसा करते हैं, जिस भी शक्ति की आप प्रार्थना करते हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए, आपको वहीं जवाब मिलेगा। अगर काफी टाइम से आप मंदिर नहीं गए हैं तो आप मंदिर जाएं, जहां भी जाते हैं आप, जो भी जिस भी धर्म से आप हैं, आप जाएं वो पवित्र स्थान पर जाएं, आपको वहां पर आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी समस्या है आप अपने ईश्वर से कहें, ठीक है, वहां ध्यान लगाने की जरूरत है, वहां मन लगाने की जरूरत है, कहीं और नहीं जाना है आपको। लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आएगा, खासतौर पर पर्सनल लाइफ में। तो जिन लोगों ने भी तीसरा नंबर चुना है, देखिएगा आपके जीवन में बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। जब भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन है, तो वो भी आपको स्वयं से ही पूछना है, अपने ईश्वर के सामने जाना है और वहां पे आपको प्रार्थना करनी है, वहीं से आपको सही जवाब मिलेंगे और कहीं से नहीं। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं जिन लोगों ने भी चार नंबर चुना है, यानी फोर नंबर आपने चुना है, ये जानने के लिए कि आपके लिए क्या है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर फोर, अपने ऊपर विश्वास आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आपको देखने को मिलेगा,
कुछ नया आप कर सकते हैं, कुछ नया आपके लाइफ में होने वाला है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर है। आप जो भी डिसीजन लें, खुद की खुशी को पहले रखें। जो चीज़ आपकी जीवन में खुशियां लाती हैं, आपको लगता है कि इस चीज़ में आपकी खुशी है, आप उसी कार्य को करें। 4 नंबर का कार्ड आपने चुना है, लेकिन उस कार्य को करते हुए जब आप डिसीजन लें तो कभी भी किसी के सहारे पे डिसीजन ना लें कि आप उस काम को करना चाहते हैं, आपकी खुशी है, लेकिन आप किसी के ऊपर निर्भर होकर उस कार्य को करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, ठीक है, उससे अच्छा बुरा जो भी होगा वो आपके साथ होगा। कभी किसी के भरोसे रह के आपको कोई कार्य नहीं करना है। अगर कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें अगर किसी की भरोसे आपको कार्य करने जा रहे हैं तो ये डिसीजन सही नहीं होगा। खुद के ऊपर विश्वास करके आपको डिसीजन लेने का समय आपके जीवन में आ रहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपकी करियर से जुड़ा हुआ हो। बहुत जल्दी उस डिसीजन का आपको फ्यूचर भी देखने को मिलेगा। तो 4 नंबर का कार्ड आपने चुना है तो ये आपके लिए रीडिंग है। आइए अब देख लेते हैं नंबर 5। जिन लोगों ने भी नंबर 5 चुना है, 5 नंबर का कार्ड आपने चुना है, ये जानने के लिए कि आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपके लिए जरूरी है जानना। आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी पूरा ज्ञान आपको नहीं है, चाहे वो करियर से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई डिसीजन है पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, लेकिन कार्ड ऐसा बता रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है उस चीज़ के बारे में। अगर आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं, कोई नया काम आपने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले उस कार्य के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन, उस कार्य का अच्छा बुरा सब कुछ आपको देखना है कि अगर अच्छा होता है तो कितना अच्छा हो सकता है, अगर बुरा होता है तो किस हद तक बुरा हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको उस चीज़ के बारे में ध्यान देनी है। आप जो कार्य कर रहे हैं, जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं तो उसका अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, बुरा सा बुरा क्या हो सकता है, इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। और सब कुछ करने के बाद विश्वास बस अपने ऊपर रखिएगा, किसी के सहारे रह के आपको कोई कार्य नहीं करना। ये मत सोचिएगा कि आप ये डिसीजन ले रहे हैं इनके सहारे, ये मेरा साथ देंगे इस कार्य को अच्छा बनाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी होगा आपके लाइफ में, आपके लाइफ में होगा, अच्छा होगा आपके लिए होगा, बुरा होगा आपके लिए होगा। इंसान जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, हो सकता है वो इंसान बीच रास्ते पे साथ छोड़ दे आपका, आपका साथ ना दे उस कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, तब आप उस कार्य में हाथ डालिए, ठीक है, उस काम में हाथ लगाइए जो कार्य आप अपने बलबूते कर सकते हैं, किसी का सहारा आपको लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सबसे पहले लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में इकट्ठा करनी है। अगर कोई पर्सन है जिसे आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो इंसान भी आपको पसंद करता है, आप चाहते हैं डिसीजन लेना अपने लाइफ का, उसको लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करनी होगी, थोड़ी नहीं बहुत इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उस इंसान के बारे में सब कुछ जानना होगा आपको, उसके बाद आप डिसीजन लें और अपने ऊपर ही लें, मतलब उसका जो भी रिजल्ट होगा अच्छा बुरा वो सब आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है नंबर 5 वालों के लिए, तो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने भी चुना है, खास कुछ कम ही लोगों ने चुना होगा, हो सकता है, या फिर ये भी होगा कि बहुत सारे लोगों ने चुना लेकिन बहुत ही कम लोगों के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि बात भी कुछ ऐसी थी जिसे लग रहा था कि कम लोगों के साथ ही कनेक्ट होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।